यह वीडियो उन साथियों के लिए जिन्हें बहुत जिज्ञासा है कि आज की डेट में असिस्टेंट इंजीनियर की मिनिमम सैलरी कितनी है। तो जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको 56,100 रुपये पर फिक्स किया जाता है, ये आपकी बेसिक पे होती है। अब इसमें क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या कटेगा, वो मैं आपको सारा बताऊँगा। एक बार आप ये वीडियो पूरा देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 56,100 आपकी बेसिक सैलरी हो गई, इसमें आपको DA ऐड होगा। अब DA जैसे मान लो अप्रैल तक 12% दे रही थी गवर्नमेंट, अब हो सकता है वो 17% कर दे, तो 12% इसमें ऐड कर लीजिए, 6,732 रुपये इसमें DA ऐड हो गया। अब जिनको HRA मिलता है उनका HRA भी ऐड होता है, जिनको TA मिलता है यदि कोई TA बिल है उनका तो वो भी इसमें ऐड होगा, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक मिनिमम सैलरी है। तो ये हो गया 62,832 रुपये, क्या क्या बेसिक प्लस DA। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे, डिडक्शंस कैसे कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। एक तो 10% आपका NPS में जाएगा, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें 10% आपका कटेगा बेसिक प्लस आपका जो DA है उसका, तो 6,283 रुपये उसमें आपके कटेंगे। उसके बाद में स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें 4,000 रुपये आपके कटेंगे, इसको आप कम भी कटवा सकते हो, ज़्यादा भी कटवा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसी 4,000 है। दूसरा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपको पूरे साल भर के अंदर जो भी आपका बनेगा वो देना होगा। तो कोई करता है कि हर महीने 1,000 कटवाता है, लास्ट में ज़्यादा कटवाता है, कोई हर महीने 4,000 कटवा लेता है, सबकी अलग अलग पॉलिसी है, कोई कैसे भी इनकम टैक्स कटवा सकता है, लेकिन फाइनली जितना बनेगा वो आपको पे करना होगा। तो मैंने लगभग 4,000 रुपये SIP करी जो है स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसीज में दे रखे हैं, इनकम टैक्स के 2,000 रुपये कटवा रखे हैं, और जो 10% जो कटौती हो रही है NPS की, तो ये सब डिडक्शन हटा के ये टोटल करें इनको, तो ये 12,283 रुपये के डिडक्शंस हो रहे हैं। तो अब इन 12,283 रुपये को मैं 62,832 रुपये में से डिडक्ट कर दूँ तो मेरी इन हैंड सैलरी बन रही है 50,549 रुपये। तो ये 2-5,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि कटौती के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतनी तो मिल ही जाती है। ये तो थी प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद। और प्रोबेशन में अभी वर्तमान में जो पॉलिसी है वो है 39,300 रुपये प्रोबेशन में AEN को मिल रहे हैं, उसमें से 10% आपका NPS कटौती होगी, बाकी आपको इन एंड सैलरी लगभग 35,000 रुपये मिल जाएगी। तो ये था माह 5/4/2019 का ये बिल है अप्रैल का। जुलाई के बाद हर जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिलता है, लगभग आपका जो बेसिक है वो 3% उसमें इजाफा कर दिया जाता है, तो इस प्रकार सैलरी हर थोड़े थोड़े टाइम में आपकी बढ़ती रहती है। तो ये